चलिए आपको आज स्टूडियो से नहीं, सीधा मैं अपनी गाड़ी से लेके चलता हूँ रूरल ब्लॉग्स बनाने की। हमने एक नया सीरीज शुरू किया है, अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर से बैठा हुआ हूँ। कोशिश करूंगा कि आप सबों को ऐसे एक इंसान से मिलाऊं जिनको मयूरभंज के शेर माना जाता था। जब उसकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी, तब ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए बाई इलेक्शन में टिकट दिए हुए थे। अब इतनी रूरल एरिया में वो रहते हैं, ये रूरल एरिया देख लीजिए। जिस गांव के अंदर मैं जा रहा हूँ, मैं जाते ही उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ हम लोग जो है, ये सांथाली, पूरा सांथाली गांव है। चारों तरफ दोनों साइड अब अगर आप देखोगे तो दोनों पक्ष में सांथाली है। मेरे सामने जो गाड़ी चल रहा है, ये भी सांथाली गेटअप में उसी के लुक में आदमी है। ये लिखिए, हम लोग जा रहे हैं राई कोड़ा छोरा। तो दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे, इस वीडियो में बने रहे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो समथिंग डिफरेंट ब्लॉग कहलाएगा और जिसमें मेरी नौजवान दोस्तों के लिए काफी इंफॉर्मेशन रहेगी कि एक बंदा इतने देहात के अंदर, जिसको बिजू पटनायक ने चुना, प्रभात पुरुष माना जाते हैं बिजू पटनायक ओडिशा के, जिन्होंने उसकी उम्र 26 साल थी तब उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करने के लिए कोशिश किए थे। आज वो एक्स एमपी कहलाते हैं, लेकिन शेर दोबारा दहाड़ उठा है। उस शेर से मिलना बहुत जरूरी है। लेट्स मूव। इलाका मैंने दिखाया, गाड़ी रास्ता बहुत तंगदस्त है, देखते हैं एक गाड़ी लेके जा सकते नहीं सकते। यस, हम लोग निकल गए। तो दोस्तों, इसी तरह की कुछ नए इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आपको लेके चलूंगा। ये मेरी रास्ता इतनी, देखिए किसी गेट के पास जा रहे, रास्ता कितना खतरनाक है। अरे वाह, पहाड़ भी चढ़ना है हम लोगों को। ऐसी इलाके देख करके जाऊंगा। ये देखिए ट्राइबल बस्तीज हैं, यहाँ पर हम लोगों को जाना है। ये बंदे हैं जो मेरी पहली फिल्म थी मेहता, उस पहली फिल्म में इन्होंने काफी अच्छा किरदार निभाए थे। और क्या बताऊं उनके बारे में, मैंने रूसी का जो कहते हैं ना, रूसी का ये रूसी का वाली चीज उनके पास है। और सांताली में रूसी का उसी को कहते हैं जो काफी तौर से क्रिएटिव होते हैं, नाच गाना उन लोगों में रहता है, उनको रूसी का कहा जाता है। तो ये जो है उसी रूसी का संप्रदाय से है। चलिए मिलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। देखिए दोस्तों, कुछ रास्ता चलने के बाद ये बारिश काफी होने लग गई है, काफी जोर से बारिश चल रही है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बारिश चल रही है, अब वाइपर लगा के आपको दिखा देता हूँ कि देखिए बच्चे भी, रूरल एरिया और काफी ये जंगली एरिया है, इस एरिया में हम लोगों को निकलना है किसी भी तरह। ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ चलूंगा, इतनी भारी बारिश में उसी बंदे के पास जा रहा हूँ जो आप लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो हिट देता रहेगा। खाली सड़क है, खाली सड़क में सब चलता है यार। पहुंच गए हैं चांदुआ, ये ध्यानचंद टुडू जी के घर को आए हुए हैं। चांदुआ में जिनके घर में हैं, ये काफी बड़े नाम करने वाले, जिनको तब जो 1950s के जमाने को आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा, जहां पर थे, जिनका नाम था ध्यानचंद टुडू। सबसे पहले उनके घर, उनकी पूरी परिवेश दिखाने से पहले उनके हाथों से लिखी हुई ऐसी एक चीज दिखाना चाहूंगा जो सांताली कम्युनिटी के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज होगा। लेट्स मूव, ध्यानचंद टुडू के अपने सुपुत्र लक्ष्मण टुडू से मिलने चलते हैं। लक्ष्मण आइए। तो लीजिए दोस्तों, अब हम लोग मिलने जा रहे हैं, ये लक्ष्मण टुडू जी हैं। आइए यार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बैठिए सर। कैसे हैं दादा? नूर नॉलेज आपको वेलकम करता है, कैसा लगता है? थैंक यू, यू आर हाईली वेलकम सर। अब ओडिया मीडिया में एक बात निकला है कि शेर जाग उठा है। शेर कहाँ था, इतना दिन के बाद कैसे जाग गया सर? अरे मैं तो शेर का बच्चा हूँ,
आपका नॉलेज में रहना चाहिए, मेरा पिता ध्यानचंद्र टुडू वो खुद शेर थे। दादा थोड़ा संताली में बोलिएगा। इनमें तरुप हपन का नहीं बड़ा कथा इन बाबा तकिन ध्यानचंद्र टुडू भंज तरुप किन तहकना और तरुप हपन का नहीं। अच्छा दादा, ध्यानचंद टुडू जी के बारे में मेरे ऑडियंस को इमीडिएट आप क्या प्रमाण दिखा सकते हैं उनके? सुनिए, आप अगर वही शेर ध्यान टुडू जिसका दोस्त स्वर्गीय बीजू पटनायक है, अगर उसके बारे में आप कुछ जानना चाहेंगे, उसका हाथ लिखा जो है, मैं आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए सर, आइए चलते रहे, चलते रहे। एक तस्वीर मेरा खुद पिताजी ध्यानचंद्र टुडू का है, और वो तस्वीर 1950 में लिया गया था। 1950 का उनका फोटो चित्र है जो दादा थोड़ा संताली में, ये बात थोड़ा संताली में बोलिए, तेरे महीना जेल वाला हाँ। नुआ फोटो दो बाबा तकिन ध्यान टुडू तकिन करना ध्यानचंद्र टुडू उनकिन दो फुर्गल ये किन तह करना सुनाराम सोरेन तकिन जब प्रेसिडेंट मयूरभंज महासभा उनकिन जनरल सेक्रेटरी बीजू पटनायक गाते किन तहकना ऑल दो 1950 रे जब गुंडूरिया गपज होना उन जखे किन अरेस्ट लेना ओका हिल जेल खोजा किन उडुकना 5th February 18 May रे अरेस्ट लेना किन 5th February रे ओना फोटो कना। देखिए दोस्तों, लक्ष्मण टुडू महोदय ने जिस लेटर के बारे में बोल रहे हैं, ये लेटर जितना दूर मुझे दिख रहा है अंडर सिग्नेचर अब ध्यानचंद टुडू या 58 ऐसी कुछ है जो भी है, यहाँ पर ये 5th February में लिखा गया है। यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में जो बताए हैं कि उन्होंने ज्वाइंट किए थे प्रजामंडली जो सभा हुआ था 1945 में, तब ध्यानचंद टुडू जी ने लगे थे। जो बातें सभी को कहा जाता है कि जो गुंडरिया शहीद है, जिस शहीद के नाम में यहाँ के जो सो कॉल्ड टाइगर फरवरी 6 को जो गुंडरिया शहीद की तरफ निकलते हैं अपने लश्कर लेकर के, वो शहीदों के पीछे लक्ष्मण टुडू पिताजी, उनके पिताजी की काफी देन थी। फिर भी बातें करते हैं, करेंगे, चलिए चलते हैं फिर से उस पोस्टर के पास। बाबा निजे किन ऑल करा इंग्लिश थे। आई कंप्लीटेड माय स्टडी इन द ईयर 1943 इन पटना यूनिवर्सिटी। बाबा तकिन दो पटना यूनिवर्सिटी खोजा 1943 रे किन ऑल उडुक लेना पटना यूनिवर्सिटी खोजा और नवा परे उनकिन की लॉल ऑल का आई मैरिड इन मे 1943 एवं उनकिन दो आयो तकिन किन बापला लेना 1943 रे तापर किन ऑल का जॉइंट प्रजामंडल सभा मयूरभंज इन 1945 अंडर एंड देन जॉइन मयूरभंज महासभा आदिवासी महासभा मयूरभंज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गंके सुदाराम सोरेन तापर किन ऑल का जे उनकी नवा परे प्रजामंडल सभार किन जॉइन किया मयूरभंज शहरे 1945 रे एवं उन जखज दो अकिन किन जॉइन ला गंके सुदाराम सोरेन तकिन प्रेसिडेंट किन तहे कना एवं अकिन जनरल सेक्रेटरी हिसाब ते किन जॉइन ला और ओना पार्टी रे टिल 1949 धाबी की तहे करा और भी टांग का था उनके लिए ऑल का इन 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस आई वाज इलेक्टेड एज मयूरभंज ऑफ मयूरभंज प्रजा मयूरभंज एज मयूरभंज
देखिए दोस्तों, कहना ये चाहते हैं कि 1947 में इनकी पिताजी ध्यानचंद टुडू पहला एमएलए थे मयूरभंज के, 47 में मयूरभंज के। जैसे कि आप लोगों को मयूरभंज हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि मयूरभंज ने 47 में आजाद नहीं हुआ था, आजाद बाद में हुआ था, लेकिन इन लोगों की प्रजा मेड़ी के हाथ में महाराजा चंद्रभंज ने अपनी शासन दायित्व दे चुके थे। फिर बातें करेंगे सर से। सर, ध्यानचंद टुडू जी के कितने बच्चे हैं? बच्चे 6 थे, 3 गुजर गए हैं और हम 3 हैं। अच्छा, आइए सर, आपका माहौल देखते हुए बात करेंगे। आइए सर। अच्छा सर, मुझे आपके परिवार के विषय में थोड़ा बताइए, ये जो पोस्टर है इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, कौन कौन क्या है? देखिए, आपके मैं ये बताना चाहता हूँ दुख के साथ, मेरा बहुत छोटा उम्र में 1973 जनवरी 18 में मेरे पिता हार्ट अटैक में गुजर गए। उसके बाद हम बच्चे थे, उसके बाद हमारा ख्याल मेरी मम्मी बीजामणि टुडू ने किया है, और मैं सहस्र प्रणाम करता हूँ मेरे भैया शरद चंद्र टुडू, वो रिनाउंड ऑफिसर थे इंडियन बैंक का, और ये मेरी भाभी वो रिजर्व बैंक का असिस्टेंट मैनेजर थे। अच्छा, ये मेरा फोटो है। हाँ। ये हम, ये मेरे भाई सीताराम टुडू गुजर गए हैं, और मम्मी ये तस्वीर इसी टाइम का है। हम आदिवासी लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, हम हंडिया पूजा करते हैं, अभी भी हम पूजा करते हैं, जो हमारा पिताजी गुजर गए हैं और पर्व पुनाई में हम उनको हंडिया पूजा करते हैं, और उसी दिन मेरे भैया भाभी सब आते हैं, वो काम करते हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्मण साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी क्लोज रिलेशन आज की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ है, भाई रिजर्व बैंक में बड़ी ऑफिसर रहे, अब भतीजी आईएएस ऑफिसर है। इस जगह में मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे एक देवी को देखिए जो घर में बच्चों को कल्चर सिखाती हैं, हंडिया पूजा, और इतने बड़े मकाम में पहुंचने के बाद भी लक्ष्मण टुडू अपनी ट्रेडिशन के साथ है। कि चलिए दादा के साथ अंदर जाके बात करते हैं। अच्छा दादा, आपके सारी फैमिली जो है ये काफी हाई एजुकेटेड है। जी जी। तो दादा, जानना ये चाहते थे हम लोग, मेरे दर्शकों के लिए ये बताइए कि अभी जो आपकी बच्चियां हैं ये कहाँ पढ़ती हैं सर? हाँ दोस्तों, मैं आज यहीं रखता हूं इस एपिसोड को, इसलिए कि इस एपिसोड में जब मैं गांव को गया, रूरल मयूरभंज के अंदर इतनी सारी टैलेंट मुझे मिले, इसे मैं एपिसोड वाइज आप लोगों के पास लेके आऊंगा। खेरवाल की टाइगर, सीधी भाषा से हम ये कह सकते हैं कि खेरवाल की टाइगर ढूंढ के मुझे मिला है, जो नई पीढ़ी के लिए देना चाहूंगा एपिसोड वाइज। आप सभी के दिल में यह हौसला भरने की मेरी कोशिश हमेशा रहेगा कि आप लोग मेरे एपिसोड देखने के बाद अपने आप को गर्वित महसूस करें। इसी एपिसोड के अगले कड़ी में मैं मिलाऊंगा आपको एक आईएएस ऑफिसर फ्रॉम खेरवाल कम्युनिटी और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैमिली। फिर लक्ष्मण टुडू जी की पूरी बातें जानेंगे अभिनव उपाय में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने लायक एक अभिनव उपाय में उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। क्यों किए थे और इतनी नाराजगी क्यों थी, इंतजार करिए मेरी नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। भूलना मत, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट करते रहना, कुछ है आपकी कमेंट अच्छा लगता है। थैंक यू, लव यू ऑल, हैविंग विद रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, जोहार।